हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं वाटर कूलर। तो वाटर कूलर बनाने के लिए मैंने एक मटका ले लिया है और इसमें पहले ही से हम पानी डाल लिए हैं और इस फ़ैन को हम इस मटके में लगाएंगे। ये सीपीयू कूलिंग फ़ैन है गाइज, 12 वाट का। तो हम इस तरीके का बैटरी ले लिए हैं, 4-4 वाट का। तो तीन बैटरी को हम कनेक्ट करके इस फ़ैन को चलाएँगे। तो गाइज चलो हम इसे लगाते हैं। तो मैंने एक इस तरीके का एक कार्डबोर्ड काट लिया है गाइज, और इसमें हम इस तरीके से इसे फिट कर देंगे। और ये जो फ़ैन रहेगा ये हमारा अंदर रहेगा और ये वाला ऊपर रहेगा, मतलब ये सिंपल वाला प्लेस ऊपर रहेगा। तो चलो हम इसे इसमें फ़िट करते हैं और फिर दिखाते हैं कि मेरा जो वाटर कूलर है कैसे काम करेगा। तो अगर आप चाहें तो इसके ऊपर जो है नेट भी लगा सकते हैं, ऐसे पानी में कुछ पड़े उड़ेगा नहीं। तो चलो गाइस हम इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नीडल की सहायता से चारों तरफ फोल्ड करके हम इसमें पेच लगा लेते हैं। तो गाइस देखो, इसे हम इस तरीके से लगा दिए हैं और जो वायर है मेरा ऊपर आ गया है, ऊपर हम इसको निकाल दिए हैं। और अब हर जगह हम इसे होल करके इसमें पेच लगा देंगे। इसके साथ ये वाला पेच आता है गाइस, और इसी पेच को हम पहले कार्डबोर्ड पे होल को बड़ा कर लेंगे और फिर इस पेच को लगाएंगे, क्योंकि ये जो मेरा जो होल है इसमें हम किए हैं वो उतना बड़ा नहीं है, तो इसलिए हम इसे बड़ा कर लेते हैं। और अब चलो हम इसे फिट करते हैं। तो गाइस जब तक हम इसे फिट कर रहे हैं तब तक आप मेरे जो चैनल को है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इसे हमें एकदम टाइट फिट कर लेना है और इसी तरीके से 2-3 जगह हम इसे पेच को लगा देते हैं। तो देखो गाइस, इसमें मैंने 2 पेच लगा लिया है और अब जो मेरा फ़ैन है गिर उर नहीं रहा है, और इसे हम इस तरीके से इस पर रख देंगे। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर नेट भी लगा सकते हैं, पतला वाला जाली, ऐसे आपके पानी में कुछ गंदा नहीं गिरेगा और आपका पानी जो रहेगा फ्रेश रहेगा और एकदम ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। मटका में तो पहले ही से पानी ठंडा रहता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो पाता। अगर जब हम इस फ़ैन को लगा दिए तो इससे क्या होगा कि इसमें जो पानी रहेगा वो और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो चलो हम अब इसे कनेक्ट करते हैं और फिर दिखाते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो गाइस हम वायर ले लिए हैं और अब इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस अभी मेरे पास इलेक्ट्रिक टेप नहीं है, तो इसलिए मैंने ये ट्रांसपेरेंट टेप ही लगा दे रहा है। इससे मतलब कि मेरा टेप मतलब ये वायर भी टच नहीं होगा इस टेप से भी, क्योंकि बहुत बार मैंने इस टेप को इस्तेमाल किया है इसी तरीके से बहुत चीज़ में लगा के। तो गाइस देखो, इससे हम इस तरीके से कनेक्ट कर लिए और इस फैन को हमें अंदर डाल दिए हैं। ऐसे ये बढ़िया लग रहा है देखने में। और अब चलो हम इसे ऑन करते हैं और फिर दिखाते हैं ये कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हम अपने जो बैटरी को है कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस हम इसे बैटरी से चलाएंगे और अगर आप चाहें तो 12 वॉट के चार्जर से भी इसे चला सकते हैं। तो गाइस मैंने बैटरी को कनेक्ट कर लिया है और अब चलो हम इसे चलाते हैं और फिर दिखाते हैं ये जो मेरा है कैसे काम करेगा। देखो गाइस कितना बढ़िया तरीके से ये चल रहा है। और इससे क्या होगा कि जो मेरा
वो मटका रहेगा उसके अंदर जो पानी भी रहेगा वो भी सही हो, मतलब ठंडा हो जाएगा इस तरीके से रख देने से। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे जो चैनल को है सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। आप इसके ऊपर नेट भी लगा सकते हैं चाहते हैं तो, और इसे हम बैटरी से चला रहे हैं, आप हो सकता है तो इसे चार्जर से भी चला सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में दूसरे टेक्निक के साथ।